रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक घटना है सन 1970 के। पति के गुजर जाने के बाद मिसेस गॉम्स ने एक बेकरी खोली। उन्हें बेकिंग का बहुत शौक था। धीरे धीरे उनका बिजनेस चल पड़ा और उनका नाम भी मार्केट में उभरने लगा। फिर एक बुरा वक्त उनके जीवन में आया जब उनकी बेकरी पर लोगों का आना कम होने लगा और मिसेस गॉम्स इस बात से परेशान रहने लगी। मिसेस गॉम्स की एक बेटी थी श्रेया, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी। श्रेया अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, पर पिता के शहीद हो जाने के बाद उसका बर्ताव कुछ ज़्यादा ही बदल गया। श्रेया अपनी माँ को ही अपने पिता का हत्यारा मानती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उन्हें वॉर में जाने से रोका नहीं था और वॉर में मिस्टर गॉम्स शहीद हो गए थे। इस वजह से माँ बेटी में अनबन हो जाती थी और उनके बीच का रिश्ता भी काफ़ी कमज़ोर होने लगा। जब मिसेस गॉम्स की बेकरी में लोगों ने आना कम कर दिया तो उनके सर पर एक और मुसीबत आ गई थी, और अब श्रेया एक ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी। कॉलेज में उसका उठना बैठना गलत लोगों से था, जिसकी वजह से श्रेया एक ड्रग एडिक्ट बन गई। मिसेस गॉम्स की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही नाजुक थी और बेकरी के ना चलने की वजह से और ऊपर से श्रेया की यह हालत, मिसेस गॉम्स बहुत परेशान रहने लगी। इन सभी हालत की वजह से उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो श्रेया को नशा मुक्ति केंद्र भेज सकें, इसलिए उन्होंने श्रेया को उसके कमरे में बंद रखने का फैसला किया। श्रेया की हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई और मिसेस गॉम्स अपने बुढ़ापे के कारण चीज़ों को भूलने लगी थी। वो श्रेया को चैन से बांध के रखती थी और उसके खाने पीने पर भी लापरवाही हो गई थी, जिसकी वजह से श्रेया बहुत कमज़ोर हो गई। अब श्रेया ज़्यादा शोर न मचाए, इसके लिए मिसेस गॉम्स ने उसके मुँह में हमेशा पट्टी बांध के रखती। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा और श्रेया की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीता, मिसेस गॉम्स श्रेया को भूलने लगी और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने श्रेया का ख्याल रखना तक छोड़ दिया। उन्हें चीज याद ही नहीं रहती थी। इधर पहले से कमज़ोर श्रेया कब तक ये सब झेलती। फिर एक दिन उसने इन सभी चीज़ों से राहत पा ही ली और वो मर गई। मगर मिसेस गॉम्स को तब भी एहसास नहीं हुआ कि उनकी बेटी मर चुकी है। कुछ दिनों बाद मिसेस गॉम्स के घर से बहुत गंदी स्मेल आने लगी। आसपास के पड़ोसियों ने पुलिस को भी बुला लिया ताकि उस बदबू के पीछे का कारण पता चल सके, और उसके पीछे का कारण बहुत ही खौफनाक था। जब पुलिस मिसेस गॉम्स के घर पहुंची, तब मिसेस गॉम्स आराम से टीवी देख रहे थे। उन्हें इस बदबू का एहसास ही नहीं था। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, तब उन्हें श्रेया की लाश सड़ी गली हालत में मिली। चैन से बंधा हुआ वो दृश्य बहुत ही डरावना था और मिसेस गॉम्स को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि श्रेया मर चुकी है। तभी पुलिस ने मिसेस गॉम्स को अरेस्ट कर लिया और श्रेया की लाश को पूरी रीति रिवाज के साथ दफन कर दिया गया और मिसेस गॉम्स के घर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मिसेस गॉम्स को जब अदालत में पेश किया गया, तब भी वो बिल्कुल अनजान थी कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। अदालत ने मिसेस गॉम्स की हालत को देखकर उन्हें पागलखाने भेजने का फैसला किया, और जब वो वहाँ से पूरी तरह से ठीक होकर बाहर नहीं आ जाती, तब तक वो वहीं रहेंगी, और केस बंद हो गया। पागलखाने में मिसेस गॉम्स को ठीक होने में 2 साल लग गए। वहाँ से ठीक होने के बाद वो फिर से अपने घर में वापस आ गईं और फिर से अपनी बेकरी को स्टार्ट करने का उन्होंने फैसला किया, लेकिन इस बार उनके घर की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। 2 साल से बंद होने की वजह से घर बहुत खोखला हो चुका था और रहने लायक भी नहीं था। फिर भी जैसे तैसे करके मिसेस गॉम्स ने घर को रहने लायक बना लिया, लेकिन अब उनका ये घर किसी के रहने लायक नहीं रहा। यहाँ अब कोई और रहता है। जिस दिन से मिसेस गॉम्स ने अपने घर में रहना शुरू किया, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता और डेली उनके शरीर पर कोई नया चोट का निशान होता था। धीरे धीरे मिसेस गॉम्स अब बहुत कमज़ोर होने लगी। उनके पास में रहने वाली शेरिन ने जब उनसे पूछा कि कैसी तबीयत है आपकी, तब उन्होंने बताया कि उनके अपने घर में कुछ अजीब सा फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हर पल उन्हें देखता रहता है। फिर मिसेस गॉम्स ने शेरिन को अपने शरीर पर लगे चोट के निशान भी दिखाए। शेरिन घबरा गई, पर उसने मिसेस गॉम को हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और फिर ठीक उसके अगले दिन से मिसेस गॉम्स ने अपने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। फिर एक हफ्ते बाद
मिसेस गॉम्स के घर से फिर से वैसे ही स्मेल आने लगी जो श्रेया के मरने के वक्त आ रही थी। फिर इस बार भी पड़ोसियों ने एक बार फिर पुलिस को बुलाया। फिर से वही दो पुलिस वाले आए और उन्होंने घर के दरवाजे को तोड़ा और सीधा श्रेया के रूम में गए और वहाँ जो उन्होंने देखा वो बिल्कुल अचंभित कर देने वाला सीन था। मिसेस गॉम मर चुकी थी और उनकी हालत हूबहू श्रेया के जैसी थी। वही मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैर चैन से बंधे हुए और शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे। तभी पुलिस ने इस मामले को सुसाइड समझ के केस बंद कर दिया और मिसेस गॉम्स का भी पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया और उनकी भी लाश को श्रेया के कब्र के सामने दफन कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मिसेस गॉम्स के घर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। धीरे धीरे उनके घर की लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती, ऑन ऑफ होने लगती, जैसे वहाँ कोई रहता हो। आस पड़ोस के लोग ये सब देखकर इतना ज़्यादा डर गए कि उन लोगों ने अपने घर को बेचकर कहीं और जाने का फैसला कर लिया और समय के साथ साथ सभी लोगों ने अपना अपना घर बेचकर वहाँ से निकल जाने का फैसला किया। अब उस जगह पर बस एक मिसेस गॉम्स का ही घर बचा था। बाकी सब जगह समय के साथ साथ जंगल में तब्दील हो चुकी थी। बस एक दो लोग ही थे जिन्होंने अपना घर आर्थिक परेशानी के कारण अभी तक बेचा नहीं था, मगर वो लोग भी वहाँ पर रोजाना मौत को चुनौती देकर रह रहे थे। शेरिन भी वहीं रहती थी क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उसने अपना घर नहीं छोड़ा। दोस्तों अब इस बात को लगभग 10 साल बीत चुके थे और धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी। बस एक मिसेस गॉम्स के घर को छोड़ के लोगों ने उनके घर को श्रापित समझ लिया। तभी पास में रहने के लिए एक नए शादीशुदा कपल शिफ्ट हुए थे जिनका नाम था मिसेज ब्राउन एंड मिस्टर जैक। जैक एक ऑफिस में एम्प्लॉय था और निकोले के बेकर थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी और निकोले की बेकरी थी। दोनों की नई नई शादी हुई थी और उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक घर खरीदा था जो मिसेस गॉम्स के घर के बिल्कुल पास में ही था। उन्हें वो घर बहुत ही सस्ते में मिला था, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनके पीछे की सच्चाई क्या है। जैक दिन भर घर से बाहर ही रहता था और निकोले घर पर अकेली रहकर बेकिंग करती रहती थी। उसकी बेकरी धीरे धीरे वहाँ पर सबको पसंद आने लगी। तभी बातों बातों में उसे पता चला कि पास वाला घर एक बेकरी शॉप हुआ करता था और मिसेस गॉम्स अपने टाइम की बहुत अच्छी बेकर हुआ करती थी। शेरिन ने निकोले को बस थोड़ी बहुत बातें बताई थी, पर मिसेस गॉम्स के बारे में उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई कि वो घर क्यों बंद हुआ है। बस उसे सावधान कर दिया कि वो उस घर से दूर रहे। निकोले को जब पता चला कि सामने वाला घर एक बेकर का ही है तो उसके मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है मिसेस गॉम्स ने अपने घर में कुछ बेकिंग से रिलेटेड बुक्स लिख रखी हों जो निकोले के काम आ सकती हैं। निकोले ने मन ही मन मिसेस गॉम्स के घर जाने का फैसला कर लिया। उसने ये बात जैक को भी बताई, पर जैक ने तुरंत ही मना कर दिया कि कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है और उसे साफ साफ बोल दिया कि वहाँ जाने के बारे में सोचना बंद कर दें। मगर निकोले के मन में वहाँ जाने का भूत सवार था। जैक के ऑफिस जाने के बाद निकोले ने चुपके से मिसेस गॉम्स के घर में जाने का प्लान बना लिया। मिसेस गॉम्स के मरने के बाद से उस घर में कोई नहीं गया था, इसलिए वो घर बहुत ही डरावना दिख रहा था। एक पल के लिए निकोले ने वहाँ जाने का प्लान ड्रॉप करने का सोचा, मगर उसे वहाँ बुक्स ढूंढने जाना था, इसलिए वो हिम्मत करके अंदर चली गई। वहाँ जाने के बाद निकोले उस घर से बाहर निकले ही नहीं। सुबह से शाम हो चुकी थी और निकोले वहीं पर थे। जैक भी ऑफिस से आ चुका था। निकोले को घर पर ना पाकर जैक परेशान हो गया। उसने उसे आसपास बहुत ढूंढा पर निकोलो नहीं मिली। फिर उसे याद आया कि निकोले पास वाले घर में जाने की बात कर रही थी, हो सकता है कि वहाँ गई हो। तभी जैक मिसेस गॉम्स के घर में गया और वहाँ उसने देखा कि निकोले फर्श पर बेहोश पड़ी है। तभी जैक निकोले को उठाते हुए बाहर लेकर आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद निकोले होश में आ गई और खुद को घर से बाहर देखकर बहुत खुश हो गई। तभी उसने जैक को बताया कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा कि उस घर में उसे किसी ने बंदी बना के रखा है। जैक ने निकोले को बहुत डांटा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि वहाँ पर ना जाओ, पर फिर भी तुम वहाँ पर क्यों गई। तब निकोले ने जैक को कहा कि वो वहाँ बुक ढूंढने के लिए गई थी, पर उसे वहाँ कोई बुक नहीं मिली। फिर निकोले और जैक अपने घर वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद निकोले की तबीयत अब खराब होने लगी। वो बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगी थी, रातों को सोती नहीं थी
और खाने पीने पर भी उसने ध्यान देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगी। और फिर कुछ टाइम के बाद निकोले अपने बेड से भी उठ नहीं पाती थी। जैक निकोले के बीमार होने की वजह से बहुत परेशान रहने लगा था। उसके बाद निकोले बिल्कुल पागलों जैसी रहने लगी। कभी बहुत जोर से चिल्लाने लगती तो कभी अकेले में फुसफुसाती रहती थी। जैक इन सब से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उसने निकोले पर चिल्ला दिया कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मुझे परेशान क्यों कर रही हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, घर संभालता हूँ और ऊपर से तुम्हें भी संभालता हूँ, मैं अकेला इंसान सब कुछ कैसे मैनेज करूँगा। तब निकोले हंसने लगी और जैक से बोलने लगी कि मैं निकोले नहीं हूँ, मैं मिसेस कॉम्स हूँ। दोस्तों ये सुनकर तो जैक शॉक हो गया और उसने बोला कि मजाक बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम बीमार हो, काफ़ी कमज़ोर हो गई हो, पर ये सब क्या बकवास कर रही हो। तब निकोले ने कहा कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। उसके बाद निकोले ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और जैक को रूम से बाहर निकाल दिया। दोस्तों ये सब देखकर जैक घबरा गया और वो बार बार निकोले को आवाज़ दे जा रहा था कि निकोले दरवाज़ा खोलो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मुझे सही से बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर निकोले रूम से बाहर नहीं आई और तभी रूम के अंदर बहुत ज़ोर से आवाज़ें होने लगी। तभी जैक जल्दी से घर चला गया और वहाँ जाकर उसने फादर को सारी बातें बताईं और इस तरह उस दिन जैक की जान बची। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।